देश की वन संपदा और वन जीवों के संरक्षण में देश के विभिन्न भागों में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस मनाया गया तथा गोरखपुर रेंज कार्यालय पर जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिसके संबंध में DFO विकास यादव ने बताया कि 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई जनजाति समुदाय के 360 लोगों को राजस्थान के जाली में राजा के आदेश पर मार डाला गया था, जो पेड़ों के काटे जाने का विरोध कर रहे थे। उन्हीं की स्मृति में यह दिन उन अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है, जो भारत के विशाल वनों एवं जंगलों का संरक्षण कठिन परिस्थितियों में भी करते हैं और संपदा की रक्षा में अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा, जैसे मुझे भी लगता था कि मैं भी कुछ उपलब्धि, पहले कॉलेज में पढ़ाई की, फिर बाहर गया, जापान 10 साल रह के आया, कुछ कुछ उपलब्धि होती है। लेकिन मेरी जितनी भी उपलब्धियां अभी तक थी, आज इन लोगों की जो है आत्मकथा सुनने के बाद मैं अपने आप बहुत तुच्छ महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यहाँ हमारे बीच उपस्थित श्रीमती सकुत्रा देवी जी, रामनगर जी, VK गुप्ता जी और शौकत अली जी, आप ऐसे महानुभाव हैं जिनके जीवन से जो है ये तो मुझे, हम लोगों को आज कुछ समय, बहुमूल्य समय मैं कहूँगा, आप लोगों ने दिया और कुछ घटनाएं अपने जीवन की, और मैं मानता हूँ कि आपका जीवन इन घटनाओं से भरा हुआ होगा, जिसमें से एक दो घटनाएं आपने हम लोग सुनाई हैं। आपके साथ में जो काम लोग काम कर किए होंगे, आपके जो अधिकारी रहे होंगे, वो कितना आप लोगों से प्रभावित और खुश रहते होंगे, उसका मैं अनुभव भी नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि आप जैसे लोग जो हैं वो वन मैन आर्मी हैं। मतलब अगर किसी प्रभाग में या किसी रेंज में आप लोग जैसा एक भी अगर इंसान है, तो पूरा रेंज आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के चला सकते हैं। देखिए, आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है और इसको जो है मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे 1730 ईस्वी में 360 बिश्नोई समाज के महान वीरांगना और वीरों ने अपनी जो है वनों की सुरक्षा के लिए और पेड़ों की सुरक्षा के लिए वो लोग शहीद हुए। जब वहाँ के राजा ने ऑर्डर दिया कि पेड़ कटवाने हैं, तो उन्होंने अपने आप को पेड़ों से चिपका लिया और पहले उन लोग को शहीद होना पड़ा और उसके बाद पेड़ कटे। तो एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक है, इतिहास है इसका, और हम लोग इसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि सभी जो वीरांगना वीर जो कि वनों की या वन जीवों की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आज हम लोग। और उसके साथ ही जो हमारे वन विभाग में जिसमें उत्कृष्ट कार्य उन लोगों ने किए हैं, कहीं अपने प्राणों का बलिदान दिया है या बहुत ही प्राणों की अपनी जान को जोखिम में डालकर वनों की सुरक्षा की है, उन लोगों का सम्मानित किया जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को हर मंच पे सम्मानित किया जाए और एक जो प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, उनका हमेशा सम्मान किया जाए।